गुड मॉर्निंग इंडिया, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अनुराग, माई पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली हिस्ट्री टीच करने वाला हूं, इतिहास पढ़ाने वाला हूं। हम लोग जानते हैं बेटा कि इसमें तीन पोर्शन आते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, जो एक सिलेबस रहता है। तो हम लोग प्राचीन भारत से प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है बेसिकली बेटा वो इस बात पर फोकस्ड है कि इतिहास हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करी सुबह सफा। तो मेरा ये एक जुनून है कि मैं इस ढंग से पढ़ाऊं कि आप चाहे सुबह पढ़ें चाहे रात में, वो सफा ना हो। तो मैंने एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट बनाया, वो कॉन्सेप्ट ये था कि याद क्यों नहीं होता है। याद बेटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम विषय की समझ डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो विषय की समझ आना बहुत जरूरी है। तो आज का जो वीडियो है वो इतिहास विषय की समझ को लेकर है। फर्स्ट फेज में हम लोग इतिहास को हम लोग यहां पर लिख के भी बेटा समझ सकते हैं। इतिहास विषय है यानी कि हिस्ट्री, इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहते हैं। तो फर्स्ट फेज में हम लोग क्या जानेंगे, फर्स्ट फेज में देखिए आराम से बिल्कुल समझते चलिए। फर्स्ट फेज में हम लोग जानेंगे क्या है इतिहास, क्या है फर्स्ट फेज में जानेंगे। सेकंड फेज में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में क्या है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर एक बार आपको ये चीजें समझ में आ गईं तो विषय को आपको समझने में पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा और उस इंटरेस्ट से आपको चीजें खुद ब खुद याद होने लग जाएंगी। इस बात पर आप थोड़ा सा सहयोग करिए, जुड़े रहिए, तो आपको इसका असर भी अपने में दिखाई देगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहले बेटा हमने क्या लिख रखा है, क्या है। तो मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं इतिहास क्या है, तो आपके दिमाग में कोई उत्तर आया होगा। मुझे पता है क्या उत्तर आया है कि पीछे जो कुछ भी हो चुका है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, वर्तमान से पहले की घटना जो घटी हुई हैं, वो सब इतिहास में आता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ठहरिए। जितने भी विचार आ रहे हैं सबसे पहले तो उन विचारों को शांत करिए और कॉन्सेंट्रेट करिए किस पर, इस शब्द पर। लिखा क्या है, लिखा है बेटा इतिहास। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है शब्द पे, वर्ड पे, कि बेटा वर्ड क्या लिखा है। तो अगर इतिहास शब्द लिखा है तो हमें नहीं समझना चाहिए कि इतिहास से क्या मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले फेज में हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास शब्द से मीनिंग क्या निकल रहा है। तो बहुत ही साधारण ढंग से हम इतिहास शब्द को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट बेटा क्या हो सकता है इसका, पहला पार्ट हो सकता है इति धन हा धन सा। क्या लिखा है, इति धन हा धन सा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आशय है ऐसा हुआ था। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अब आपको एक परिभाषा तो इतिहास की क्लियर हो गई कि ऐसा हुआ था, तो एक पोर्शन क्लियर हो गया इति धन हा धन सा से। दूसरे में हम इतिहास को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे, इति में और हास में। इति का मतलब होता है बेटा घटनाएं, और हास माने होता है लोग। तो अब इससे दूसरी परिभाषा बन जाएगी इतिहास की। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, लोग, आपके सामने लिखा है लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन, जिस विषय के अंतर्गत हम करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अब बताइए आपको इतिहास का मीनिंग समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सरल ढंग से हम लोगों ने इतिहास शब्द, हिंदी का जो शब्द है इतिहास, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो उसके अंतर्गत हमने दो परिभाषाएं जान ली थोड़ी ही देर में, कि लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत हम करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। एक परिभाषा क्या थी, ऐसा हुआ
था। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए इस पर कि ऐसा हुआ था। यह भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान शब्दों का जरूर दीजिए। ऐसा हुआ था तो अब ऐसा कैसा, तो प्रश्न उठता है कैसा, तो ऐसा कैसा, तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे किस पर, लोग पर अर्थात मानव पर। इट मींस बेटा पृथ्वी तो बहुत पुरानी है ना, कितनी पुरानी है पृथ्वी हम लोग जानते हैं बेटा, पृथ्वी की जो आयु है वो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है हमारी पृथ्वी। लेकिन क्या इतिहास विषय के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इतना पीछे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। कितना पीछे जाते हैं? तो आप इतिहास में उतना पीछे जाते हैं जितने में मानव आ गया। जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव की उत्पत्ति होगी, हमारा विषय प्रारंभ हो जाएगा जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि लोग और उनसे जुड़ी घटनाएं, और यहां भी आप देख रहे हैं ऐसा। ऐसा मतलब मानव के साथ जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उसको हम इतिहास में ऐड कर लेंगे, इतिहास विषय में उसको पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि इतिहास क्या है। तो आज के बाद से ये गलती ना करना बेटा कि इतिहास क्या है। इतिहास में हम लोग इधर उधर की परिभाषा ना देकर अगर हम शब्द पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर ले तो आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, ये हिंदी शब्द है, आपको भी पता है इतिहास। लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? हिस्ट्री। तो अब थोड़ा सा, अमूमन मैंने देखा है कि लोग इतिहास और हिस्ट्री को एक ही बता देते हैं, जबकि इतिहास का अर्थ अलग है और हिस्ट्री का अर्थ अलग है। तो उनमें एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको भी हमें थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड इतिहास। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे सामने हिस्ट्री लिखा है, ठीक है, बहुत तसल्ली से कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक आराम से सुनिए। तो एक चीज तो हम लोग ने जो यहां डिस्कस करी है वो तो आपके समझ में आ गई होगी। उसके आगे हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री शब्द किससे बना है? हिस्ट्री बना है हिस्टोरिया, HISTORIA, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, इससे क्या मीनिंग निकल रहा है, हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोरिया का मीनिंग होता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस घटी हैं, यानी कि घटनाएं घटी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हुई हैं, प्लस इन कॉन्सिक्वेंसेस का, घटनाओं का हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास टाइम हमें पता होना चाहिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा तसल्ली से आराम से समझिए। क्या लिखा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो घटनाक्रम, घटनाक्रम जो हो रहा है, वो घटनाक्रम जो घट रहा है उसके पीछे हमारे पास एविडेंस है। तो एविडेंस बेटा कौन सा है? एविडेंस हमारे पास है, जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो हमारे पास एविडेंस क्या है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास हमें हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, वहां पे हमें स्नानागार, अन्नागार, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो ये क्या है? एविडेंस। तो हम उन एविडेंस के को बेस बनाकर, उन कॉन्सिक्वेंसेस को आपस में मिलाकर और उनको टाइम पीरियड के हिसाब से सिंक्रोनाइज करते हैं। उसके बाद इन तीनों चीजों के बाद, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, इन तीनों को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं उसके बाद बेटा जो भी हम लिखेंगे वो हिस्टोरिया के अंतर्गत आएगा, इट मींस हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर एक चीज मैं और बहुत छोटी सी आपको क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री चूंकि इंग्लिश वर्ड है तो हम लोग जानते हैं बेटा हमारा इतिहास जो है वो भारतीयों से पहले विदेशियों ने लिखा, कुछ फ्रेंच लोगों ने लिखा, कुछ स्पेनिश लोगों ने लिखा, कुछ ब्रिटिशर्स ने लिखा, तो सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने लिखा। तो अगर हम ये देखें कि इतिहास लिखते समय उन लोगों ने क्या ध्यान दिया, तो उन्होंने जब अपना इतिहास लिखा है तो वो
हिस्ट्री लिखा है, इट मींस कि वहां पर घटनाएं भी हैं, उनका तिथि क्रम भी है, डेट वाइज डिस्क्रिप्शन है, जो यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेसिक डिफरेंस इतिहास और हिस्ट्री में क्या हो गया, डेट वाइज डिस्क्रिप्शन का। इतिहास में हमें डेट वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, वहीं पर हमें हिस्ट्री में डेट वाइज डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आशा करता हूं कि जितना अभी तक मैंने समझाया है आपके समझ में आ गया होगा। चाहिए तो थोड़ा सा बस 10 सेकंड में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास इति धन हा धन सा, ऐसा हुआ था। इति धन, इति और हास, घटनाएं और लोग, लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। हिस्ट्री यानी कि हिस्टोरिया, हिस्टोरिया वर्ड है, हिस्टोरिया का मीनिंग होता है घटनाक्रम प्लस उसका समय का क्रम और एविडेंस यानी कि साक्ष्य। एविडेंस को हम क्या कह सकते हैं, साक्ष्य। साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं को जब हम तिथि क्रम के हिसाब से लगाते हैं तो उसको हम इतिहास हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ऐसी चीजों को ध्यान रखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो आप बेसिक एरर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इतिहास हमको अगर समझ में आ गया है तो अच्छा, बहुत ही तसल्ली से जरा सोचिए कि इतिहास के भाग क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो अगर मैं 2 सेकंड का समय दूं तो क्या आप सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। क्या सोचेंगे? आपने जो सोचा 2 सेकंड में, विश्वास जानिए आपने गलत सोचा। कैसे गलत सोचा? वो ऐसे गलत सोचा कि इतिहास के आपने 3 पार्ट 3 भाग सोचे होंगे। बोलिए हाँ, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने गलत सोचा। इसलिए गलत सोचा क्योंकि आप इतिहास के 3 पार्ट कैसे कर रहे हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। तो बेटा ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो सिलेबस का अगर पार्ट है तो थोड़ा सोच के चलिए कि इतिहास अलग चीज है ना, इतिहास एक शब्द है, उसका पार्ट सिलेबस का पार्ट कैसे हो सकता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, उसको हम लोग ए बी और सी में डिवाइड करके देख लेते हैं। अच्छा, अब जब डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए कि 3 पार्ट कौन कौन से हमारे सामने आने वाले हैं। पहला बेटा पार्ट है प्रागैतिहासिक। बिल्कुल मत डरिएगा शब्द से, मैं इस शब्द को अभी इतना सरल कर दूंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा बेटा कहलाता है आद्य इतिहास। मैं अभी इनकी इंग्लिश भी बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। इतिहास के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बेटा है आद्य इतिहास और तीसरा पोर्शन कहलाता है इतिहास। बताइए इसमें कहीं समस्या, मुझे तो नहीं लगता कहीं समस्या है। ठीक है, अब आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास के कितने भाग हैं तो आप कहेंगे 3। ठीक है, फिर आपसे पूछे कौन से तो अब एंशियंट मिडवल मॉडर्न मत कहिएगा। ठीक है, प्लीज, है ना, कौन से बताने हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और इतिहास। अब इसको, अब एक चीज यहां पर और कॉन्सेंट्रेट करिए, क्या कि इतिहास को हमने 3 पार्ट में बांटा है ना, बात समझिए, क्यों बांटा, इसका मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, कारण पकड़िए, क्योंकि कब क्यों कहां कैसे यही सब हम लोगों को पता करना होता है इतिहास में, और बेस अगर क्लियर हो तो फिर वो चीजें याद होती भी चली जाती हैं। खैर, यहां पे समझिए, इतिहास को हमने बांटा 3 पार्ट में तो उसका रीजन है, तो उस रीजन को हमें पकड़ना है, तो 3 पार्ट हैं। अब यहां पर मैं केवल एक वर्ड लिखने वाला हूं और वो वर्ड बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ इन तीनों में डिफरेंस कर देगा। कौन सा वर्ड है, आइए समझते हैं। एक वर्ड यहां पर हम लिख देते हैं, वो वर्ड है लेखन कला, राइटिंग स्किल। क्लियर है? अब यहां पे आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए,
चलिए, मैंने बोला था कि शब्दों को सरल कर दूंगा, तो थोड़ा देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, डरिए नहीं, जुड़े रहिए ध्यान से, तो आपको अभी देखिए कितना सरल लगेगा। प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रागैतिहासिक काल, इसको तोड़िए। संधि विच्छेद आपने एक शब्द सुना होगा, उसको हम लोग ज्यादा तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे? प्राक धन इतिहास, तोड़ दिया। क्या लिखा है? प्राक धन इतिहास। बेटा प्राक का मतलब क्या होता है? प्राक का मतलब होता है, प्राक का मतलब होता है पूर्व। प्राक मतलब पूर्व, यानी कि पहले का। ठीक है, और पूर्व को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं प्री। अब देखिए कठिन शब्द सरल हो गया, कितना कठिन लग रहा था प्रागैतिहासिक काल, है ना? इंग्लिश में इसको क्या लिख देंगे तो बहुत आसान शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राग का मतलब हो गया प्री और ऐतिहासिक काल का मतलब है हिस्ट्री से, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? इसकी इंग्लिश हो गई प्री हिस्ट्री। बात खत्म, सिंपल है। तो प्रागैतिहासिक काल की इंग्लिश क्या हो गई? प्री हिस्ट्री। क्लियर है? उसी तरह से आदि इतिहास है, आदि इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, पी आर ओ टी ओ, प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं? अभी बस थोड़ा सा जुड़े रहिए, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा कि प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। क्लियर है? अब हमने कहा कि इन तीन हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? उसका रीजन क्या है? राइटिंग स्किल यानी कि लेखन कला। एक शब्द है जो इन तीनों में डिफरेंस पैदा कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वो डिफरेंस कैसे पैदा हो रहा है? तो वो ऐसे पैदा हो रहा है कि प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला थी? नहीं थी। थी? नहीं थी। क्या हम पढ़ पाएंगे? तो जब थी ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक शब्द इन तीनों में डिफरेंस पैदा कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला नहीं थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज बेटा, आदि इतिहास का मतलब क्या है? कि लेखन कला थी, बिल्कुल थी, यस लेखन कला थी। तो क्या हमने उसको पढ़ लिया है? नहीं, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अब देखो शब्द क्लियर हो गया। आद्य, आद्य मीन्स आधा आधा, आधा अधूरा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आद्य इतिहास का मीनिंग क्या निकल आया? प्रोटो हिस्ट्री का मीनिंग क्या निकल आया? कि ऐसा समय जिस समय हमें लेखन कला, राइटिंग स्किल तो मिली है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत आसानी से चीजों को समझते चलिए। यहां पर लेखन कला नहीं थी तो ऑब्वियस ही बात है हम पढ़ेंगे भी नहीं। यहां पर क्या है? लेखन कला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। वो इतिहास में कौन सा पोर्शन है? आदि इतिहास का। उसके बाद क्या है? इतिहास। इतिहास में फिर लेखन कला के लिए आप क्या, अब आपका आंसर आपके पास है, शायद आपने बोल दिया होगा क्या लेखन कला थी और हमने उसको पढ़ भी लिया है। बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल पानी की तरह चीजें समझ में आती जाएंगी, बस ध्यान पूर्वक सुनते चलिए। तो एक पोर्शन क्लियर हुआ कि नहीं, कि इतिहास के पार्ट कौन कौन से हैं? तीन पार्ट हैं, हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी, जो भी आपको समझना हो समझ लीजिए। उसके बाद इन तीन पार्ट में डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं? लेखन कला के माध्यम से डिफरेंस आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में लेखन कला है ही नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। इसमें लेखन कला है, पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें लेखन कला थी और हमने उसको पढ़ भी लिया है। अब थोड़ा सा यहां पर आपको और सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क इस सेंस में कि देखिए चीजें एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या जाना कि इतिहास क्या है, उसके बाद सेकंड फेज में हमने क्या जाना हिस्ट्री क्या है, उसके बाद थर्ड फेज में हम लोग क्या जान रहे हैं कि इतिहास के पार्ट कितने हैं। तो वो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, डिफरेंस उसमें डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तीन पार्ट में डिवाइड किया है
तो इसमें कुछ चैप्टर्स भी आते होंगे, तो ऐसे चैप्टर जहां पर राइटिंग स्किल नहीं है, ऑब्वियसली बातें पढ़ेंगे भी नहीं, तो ऐसे कितने चैप्टर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ते हैं, जरा सोच के देखिए। तो शायद कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर क्लिक कर गया होगा, वो आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, और वो टाइम पीरियड है स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल। एक पॉइंट दिमाग में आपके आज क्लियर हो गया, वो क्या क्लियर हुआ है कि पाषाण काल इतिहास के किस भाग से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बड़ी आसानी से अब समझ चुके हैं कि पाषाण काल इतिहास के किस पोर्शन से जुड़ा है, प्रागैतिहासिक काल से, यानी कि प्री हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास के पहले के इतिहास से। पहली बात समझ में आ गई, गुड। तो स्टोन एज, पूरा का पूरा जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, जो आप पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, वो पूरा पूरा जो एज है वो किस में आएगा, प्रागैतिहासिक काल में आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ें। अब सेकंड, इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि आद्य इतिहास के अंतर्गत कितने चैप्टर आएंगे आपके सिलेबस के। तो आद्य इतिहास में हम लोग किसको रख रहे हैं कि जहां पर राइटिंग स्किल हमको मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो क्या है, तो ऐसे कितने चैप्टर आ सकते हैं बेटा, तो इसको थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। तो आद्य इतिहास में कौन सा चैप्टर है, बिल्कुल सही कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया होगा, और वो जवाब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी गुड, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मुझे पता है आपने आंसर दे दिया होगा, इतना तो होशियार आप हैं ही, ठीक है। तो आद्य इतिहास के अंतर्गत जब आपको यह मालूम चल गया कि इस हिस्ट्री को हम लोग किस में रखते हैं कि राइटिंग स्किल थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम लोग ये तो शायद हम लोग छोटी किताब कक्षाओं में भी पढ़ लेते हैं कि इंडस वैली की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसे हम क्रैक नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि क्यों क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो चलिए, मुंह से निकला है तो इसको समझ भी लेते हैं कि हम इसको क्रैक क्यों नहीं कर पाए हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्क्रिप्ट का, इंडस स्क्रिप्ट का, कि ऐसा क्या उसमें उन्होंने विशेष लिखा जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बच्चों ध्यान से थोड़ा सा, कि जो स्क्रिप्ट हमको मिली है, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं लिपि, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, इतना स्पेशल क्या है, ठीक है, तो है बिल्कुल स्पेशल है। वो स्पेशल इस तरह से है कि जो स्क्रिप्ट है, अब चलिए मैं आपके सामने एक नमूना पेश करता हूं कि इंडस वैली से जो हमें स्क्रिप्ट मिली है वो कैसी दिखाई देती है। तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देगी। अब देखिए वो लिख रहे हैं, ठीक है, वो लिख रहे हैं, इंडस वैली वाले लिख रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं इस तरह से, ये उनकी राइटिंग का एक नमूना है, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए इस टाइप की उनकी राइटिंग है। तो अब यहां पे दो शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दो शब्दों पे क्या ध्यान देना है कि इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपको अभी समझ में आने वाला है कि हम पढ़ क्यों नहीं पाए हैं। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रकार के सिंबल्स, यानी कि एक प्रकार के चित्र दिख रहे हैं। सही बात है, ये चित्र टाइप के बने हैं, भाई हम कैसे कह दें कि ये अक्षर है, ठीक है, तो वर्ड्स टाइप से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये तो हमें फिगर यानी कि चित्र टाइप का दिख रहा है। ठीक बात है, मान लिया, आपकी बात मान ली कि ये सर ये तो चित्र दिख रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये पार्ट किसके हैं, तो आपको सामने दिख रहा है कि किसके पार्ट हैं, स्क्रिप्ट के यानी कि लिपि के।
तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि हो ना हो इन्हें अक्षर मानना हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो अक्षर मानना अगर मजबूरी है तो आप खुद देखिए कि दिखने में तो बेटा ये चित्र लग रहे हैं, पहले सही बात है, और स्क्रिप्ट के हैं इसलिए ये अक्षर भी हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ ना करो, दोनों को ऐड कर दो, करो ऐड, क्या आंसर निकल के आया सामने। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा लेकिन मन में उनके लिए वेरी गुड, और वो आंसर होगा चित्राक्षर। बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से, कोई बात नहीं, समझ लो। देखो बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हमको मिला हुआ है लिपि स्क्रिप्ट, वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उन्होंने इस तरह से राइटिंग करी है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो राइटिंग है ये किस टाइप की दिखाई दे रही है? पिक्चर टाइप की, फोटो टाइप की, यानी कि फिगर, यानी कि चित्र टाइप की। और चूंकि ये स्क्रिप्ट का पार्ट है, लिपि का पार्ट है, तो उसे हम क्या मानेंगे? अक्षर। तो दोनों को हमने मिला दिया तो क्या कहलाई? चित्राक्षर। तो जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो बेटा कैसी है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये तुम्हारा एग्जाम में दिया गया आंसर भी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है बेटा वो कैसी है? चित्राक्षर, यानी कि पिक्टोग्राफ, पिक्चर पे बेस्ड ग्राफिक्स हैं बेटा। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को क्रैक यानी कि पढ़ नहीं पाए हैं। ना तो ये पूरी तरह से चित्रों में काउंट हो रहे हैं और ना ही ये पूरी तरह से अक्षर हैं। अब अच्छा, इंडस वैली वाले शायद बहुत दिमागदार थे, शायद क्या, दिमागदार तो थे ही, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, इंडस वैली बेटा पहली सभ्यता थी जो नगरीकृत थी, सिविलाइज्ड थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बहुत दिमागदार थे, और जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग की और बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो देखो हम लोग ने समझ लिया कि उन्होंने जो राइटिंग की वो चित्राक्षर टाइप से की, पिक्टोग्राफ टाइप से की। अब यहाँ पर दूसरी समस्या ये थी कि इंडस वैली वाले शायद चाहते थे कि हम लोग उनको कभी पढ़ ही ना पाए, है ना। तो उन्होंने पहली जो बेसिक कलाकारी करी तो वो कलाकारी इस टाइप में हुई कि ना उन्होंने अक्षर बनाए ना चित्र बनाए, है ना, मिक्सचर बना दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब वो ये काम कर रहे थे, जब वो अपनी स्क्रिप्ट को लिख रहे थे, तो उन्होंने दूसरी बात क्या करी कि उन्होंने पहली लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट। एक इन्होंने कह सकते हैं भाई कलाकारी, एक कलाकारी उन्होंने इस ढंग से कर दी। उससे क्या नुकसान हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि बहुत सरल सी चीज है, इसको थोड़ा सा समझिए कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, ठीक है, हिंदी किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं? बिल्कुल गलत जवाब, आपने जल्दीबाजी में गलत जवाब दे दिया। हिंदी हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं कि नहीं? इस तरह से लिखते हैं, तो हमारा ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। उर्दू कैसे लिखते हैं? उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, इस तरह से लिखेंगे उर्दू, ठीक है, हिंदी इस तरह से। तो अब भैया इंडस वालों ने कैसे लिखा? इंडस वालों ने करी कलाकारी, उन्होंने पहली लाइन ऐसे गई उनकी, दूसरी लाइन ऐसे, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो उन्होंने क्या कर दिया? हम लोगों के दिमाग का दही। तो जब दिमाग का दही कर देंगे तो हमको समझ में, दिमाग का दही हो गया बेटा, यही तो रीजन है कि हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली कलाकारी का पहला एग्जाम्पल ये हो गया, आपको पता ही है। तो जब पहला एग्जाम्पल ये हो गया कि उन्होंने ना अक्षर को रखा ना चित्र को रखा, दोनों को मिक्स कर दिया। दूसरी उन्होंने क्या कर दी कि उन्होंने इस ढंग से अपनी स्क्रिप्ट को मैनेज किया। इतना दिमाग तो खैर जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले वैज्ञानिक होते हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये फिगर किस ढंग से जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो स्क्रिप्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट
लिखी जाती है, मींस इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। इस तरह की स्क्रिप्ट बेटा कहलाती क्या है? तो बहुत ही बेसिक आंसर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं, ध्यान से, बूस्ट्रो, BOUSTRO, बूस्ट्रो फेदन, PHEDENE बेटा क्या लिख गया? बूस्ट्रो फेदन। इसको, इस स्क्रिप्ट का नाम क्या हो गया? बूस्ट्रो फेदन स्क्रिप्ट। ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसमें जो बेटा जो तुम बूस्ट्रो देख रहे हो ना, ये जो बूस्ट्रो है, बूस्ट्रो का मतलब होता है बैल, यानी कि ऑक्स, ठीक है। बैल का मतलब यहां क्या है? बैल का मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह की राइटिंग क्यों करी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, अब खेत में बैल चल रहा है, तो बैल बेटा ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, इस तरह से बैल चल रहा है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो इस तरह से उनकी स्क्रिप्ट चलने लगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इस तरह से समझेंगे तो ना तो आप बूस्ट्रो फेदन शब्द भूलेंगे, ना आप पिक्टोग्राफ शब्द भूलेंगे। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि उन्होंने जो पहली कलाकारी करी उससे आंसर क्या निकला? पिक्टोग्राफ। उन्होंने जो बेटा दूसरी कलाकारी करी उससे क्या आंसर निकला? बूस्ट्रो फेदन स्क्रिप्ट। इसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका हिंदी वर्ड भी याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं गो मूत्रिका लिपि। गो मूत्रिका लिपि, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट लिख देता हूं, गो मूत्रिका लिपि। तो इसको गो मूत्रिका लिपि भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बूस्ट्रो फेदन लिपि। तो इतनी महाभारत से आपको बेटा ये तो क्लियर हो गया ना कि हिस्ट्री के जो तीन पार्ट हैं उसमें हम प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों रखते हैं। उसका रीजन हमारे सामने था, रीजन ये था कि हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं। अब हमारे पास इसका भी आंसर है कि हम उनकी स्क्रिप्ट पढ़ क्यों नहीं पाए हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, तसल्ली से अगर सुन रहे हैं तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर चिंता ना करिए, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट चीजें आती जा रही हैं और ये बना देगा आपका इतिहास विषय में कॉन्सेप्ट, जो किसी के भी हिलाए नहीं हिलेगा, विश्वास जानिए। चलते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना इतिहास क्या है, तो इतिदन हादन सा, ऐसा हुआ था, और दूसरी परिभाषा क्या थी, लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। दूसरे में हम लोगों ने हिस्ट्री को डिफाइन किया कि इतिहास का मीनिंग अलग है और हिस्ट्री का मीनिंग अलग है। तो क्या अलग है वहां हमने यहां समझने का प्रयास किया कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं, घटनाएं हैं, उन जो एविडेंस बेस्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम, टाइम टू टाइम चीजों का, घटनाओं का विवरण हमें मिलता है हिस्ट्री में। इतिहास में, यानी कि जो भारत का इतिहास है बेटा, उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उसमें जो घटनाएं घटी हैं उनका डेट वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। यह हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी कमी भी है। बिल्कुल निश्चित रहिए, जुड़े रहेंगे तो आगे इस पॉइंट पे हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतिहास के तीन पार्ट देखे। उन तीन पार्ट में एक राइटिंग स्किल है जिसने इन तीनों को डिफरेंस, इन तीनों में डिफरेंस पैदा कर दिया। जैसे ही इनमें डिफरेंस पैदा होता है, वैसे ही हम देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कौन से चैप्टर आते हैं, केवल एक, स्टोन एज। आदि इतिहास में कितने चैप्टर आते हैं? बिल्कुल एक ही चैप्टर आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास, इतिहास में क्या हम लोगों ने बोला है कि राइटिंग स्किल थी और हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो अगर हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, दो मिनट के लिए ये सोचिए कि सबसे पुराना लिखा हुआ हमारे पास आज क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप बैग उठाएं अपना और घर से निकलें, और कुछ पैसे जेब में डाल के, है ना, और आपका एम क्या है कि आपको पुरातत्व विभाग जाना है और उनसे ये कहना है कि हमें सबसे पुरानी चीज, सबसे पुरानी लिखी हुई चीज चाहिए।
तो आपको क्या लगता है कि वो क्या देंगे आपको? बहुत तसल्ली से सोच के बताइए, बहुत सोच के। आपके दिमाग में एक दो आंसर आए होंगे, है ना? उसमें से एक आंसर होगा जो आपके दिमाग में आया होगा, वेद, है ना? तो उसको आपको क्या करना है? इरेज करना है। आंसर गलत है आपका, ठीक है? तो आंसर गलत है। नेक्स्ट आंसर आपने क्या सोचा होगा? नेक्स्ट आंसर आपने सोचा होगा उपनिषद, पुराण, इस टाइप के। वो भी बेटा आंसर गलत है, ठीक है? हम लोग ने यहां लिखा क्या है, इतिहास क्या है? लेखन कला मिली है और हमने उसको पढ़ भी लिया है, तो सबसे पुरानी राइटिंग राइटिंग जो हमें आज भी अवेलेबल है उसी समय की, तो वो क्या है? हो सकता है कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया हो, हो सकता है उन्होंने आंसर दिया हो, मैच करिए देखिए वही आंसर है कि नहीं। और आंसर है अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा, मौर्यकालीन राजा। सम्राट अशोक ने अभिलेख यानी कि शिलालेख, जिनको हम स्तंभ लेख भी कहते हैं, उसने बनवाए थे पत्थर पे, है ना? ये अभिलेख किस पर हैं? पत्थर पे हैं, ठीक है? पत्थर पे उसने लिख दिया। मौर्यकाल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? परेशान ना होइए कि उसने क्या क्या लिखा पत्थरों पे। यहां पे हम लोग को यह समझना है कि उसने जो लिखा पत्थर पे वो क्या हो गया? स्टेबल, है ना? हम लोग कहते हैं ना, कोई भी बात हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैंने बोल दिया, इट मींस कि वो पत्थर पे लकीर है, आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? तो पत्थर पे लकीर है। तो पत्थर पे लकीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ड्यूरेबल होती है ना? कोई भी बेटा पन्ने हो, कोई भी कागज हो, ताड़पत्र हो, केले के पत्ते हो, ये सब बेटा इतना पुराना हो चुका है सब कुछ कि वो नष्ट होना उसका लाजमी है, 100% नष्ट हो ही गया होगा। तो कुछ भी हमको कागज टाइप की चीजों से नहीं मिला है, हमें क्या मिला है? अशोक के अभिलेख। सबसे एंशियंट हमारे पास जो राइटिंग हमको मिली हुई है वो अशोक के अभिलेख हैं, अशोकाज एडिक्ट्स हैं। क्या हैं? अशोकाज एडिक्ट्स। अशोक के अभिलेख। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हमने वेद क्यों काटा? वेद बेटा इसलिए काटा क्योंकि जब वेद थे तो एक तो बेसिक चीज याद रखना, हालांकि हम लोग वैदिक काल में इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो उसको बेसिक चीज याद रखना बेटा कि वेद हमको क्या देते हैं? नॉलेज। वेद हमको नॉलेज, वेदों में नॉलेज थी, और वो नॉलेज कैसी थी? वो बेटा नॉलेज मौखिक थी, ओरली थी। नॉलेज का बेटा ओरल ट्रांसफर था, मौखिक ट्रांसफर था नॉलेज का, वहां पर राइटिंग नहीं थी स्टार्टिंग में। इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पास सबसे एंशियंट वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर बेटा इसीलिए नहीं है, ठीक है? खैर, तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा भी गया है, ठीक है, कि सबसे प्राचीन लिखित विवरण हमारे पास क्या है, तो उसका आंसर ही बेटा ये है अशोक के अभिलेख। अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने अपने दिमाग में क्रिएट कर ही लिया कि इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीजें हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज हम लोग बहुत ही थॉरोली पढ़ चुके हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है। ये आपके लिए बहुत जरूरी लेक्चर है, क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्ट इतिहास से जोड़ देगा, ठीक है? तो इसको हम लोग सेकंड फेज में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग अब सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बेटा क्या समझने वाले हैं कि इतिहास में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, क्योंकि हालांकि इतिहास क्या है ये भी अपने आप में समझ पाना और समझा पाना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन ठीक है, सरलता से अगर हम कोई चीज़ समझा पाएं और सरलता से कोई चीज़ हमारी समझ में आ जाए तो वो तो मान लीजिए कि एक फिर अच्छी चीज़ हो गई। खैर, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इतिहास में क्या है। तो में क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं।
तो समझते इस तरह से हैं कि इतिहास में आप पढ़ते क्या हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैं डिस्कस करने का मूड मेरा भी है और बहुत ही अपना मूड बनाए रही है। ठीक है, तो में क्या है, तो इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, इतिहास में आप पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, इतिहास में आप पढ़ते हैं राजा। ठीक है, राजाओं के बारे में, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, आप राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते क्या हैं, ब्रिटिश राज, तो ब्रिटेन का राज, तो वहां भी ब्रिटेन राजा की भूमिका में था भारत में, आधुनिक भारत में। क्लियर है। थोड़ा सा और हम जब जाने का प्रयास करते हैं तो राजा, उससे संबंधित चीजें, फिर हम देखते हैं कि समाज कैसा था, फिर हम देखते हैं कि समाज अपने आप को बनाए रखने के लिए किन आर्थिक गतिविधियों में लिप्त था, फिर हम देखते हैं कि इन्हीं सब व्यवस्थाओं के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पैरेलल चल रही होती है, जिसे हम धर्म से जोड़कर देखते हैं और वो धार्मिक दशा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इतिहास में जो जो आप पढ़ते हैं वो एरिया कौन सा है। तो वो एरिया ये है कि इतिहास में क्या है, तो इसमें आप दशा, दशाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, तो चार मुख्य दशाएं हैं बेटा, उसको थोड़ा सा तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक आप पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं राजनीतिक दशा। क्लियर। दूसरे हम बोलते हैं सामाजिक दशा। क्लियर है। तीसरा हम बोलते हैं आर्थिक दशा, और चौथे को हम बोलते हैं धार्मिक दशा। अच्छा बताइए, इससे बाहर आप कुछ पढ़ते हैं क्या इतिहास में? नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा लिखा क्या है, मैं एक बात तो आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि जब भी कभी आपके सामने कोई शब्द आए, ठीक है, इन केस अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको तोड़ने का प्रयास करिए। क्लियर है, तो उसे जब तोड़ेंगे तो आपके मन में खुद ही उसके अवयव, अवयव का मतलब एलिमेंट्स, दिखाई देने लगेंगे। तो इन दशाओं में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो राजनीतिक दशा को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा का मतलब क्या हुआ, राज और नीति। क्लियर सी बात है कि राजनीतिक दशा का जो राजनीति शब्द है वो किससे मिलकर बना है, राज और नीति से। क्लियर है बेटा, ये राजनीति, ठीक है, तो राज कौन करेगा, तो हमें मालूम है कि राज करने वाला राजा है। ठीक है, तो राज कौन करेगा, राजा, और राज करने के लिए राजा किसको बनाएगा, अपनी अपनी नीतियों को। तो राज करने के लिए राजा जब नीतियों को बनाता है तो उसे हम राजनीति या राजनीतिक दशा के अंतर्गत लाते हैं, या उसे हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अपने अध्ययन का स्रोत मानते हैं। तो एक पॉइंट समझ में आ गया कि राजनीतिक दशा में, अब आपको ये पिक्चर क्लियर है कि अगर हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, या मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं, या अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उनकी विक्ट्रीज, ठीक है, राजा की जो विजय हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या राजा पर कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को पढ़ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उसको वो हम कहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशन या राजनीतिक दशा के अंतर्गत उसको पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है, सरल था, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, राजनीतियाँ, तो राज करने के लिए जो नीतियाँ बनेंगी वो राजनीतिक दशा हो जाएगी। दूसरे में आइए, दूसरे में बच्चा क्या लिखा है, सामाजिक दशा। क्लियर सी बात है, सामाजिक का मतलब ये किससे बना है, समाज से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चा कि
हर टाइम पीरियड में अलग अलग समाज हमें देखने को मिलता है। कभी कभी बेटा समाज हमें कैसा देखने को मिलता है, कभी कभी हमें समाज, बेसिकली हम दो टाइप से समाज देखते हैं, तो कभी कभी हमें समाज कैसा दिखाई देता है, ग्रामीण समाज दिखाई देता है, और कभी कभी हमको समाज कैसा दिखाई देता है, शहरी दिखाई देता है, जिसे हम नगरीय समाज भी कहते हैं। अब देखिए, आपके दिमाग में नगरीय शब्द से तुरंत सबको इतिहास से जोड़े रही है, ठीक है, पहले, ठीक है, इसको हम लोग चैप्टर वाइज वर्तमान से जोड़ते चलेंगे, वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इस समय थोड़ा सा फोकस रहिए इतिहास पर ही, विषय पर। तो समाज दो प्रकार का हो गया, दो तरह से हो सकता है, एक ग्रामीण समाज, एक शहरी समाज। अभी हम समझेंगे आगे कि कैसे ग्रामीण समाज बनता है और कैसे शहरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करिए, तो जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो भारतीय इतिहास प्राचीन भारत से प्रारंभ होता है, और प्राचीन भारत में एक चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीकृत समाज था, सिविलाइज्ड सोसाइटी थी। और उसके बाद का जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता, वैदिक एज, वो एक ग्रामीण समाज था। तो देखिए, एक ही इतिहास के अंतर्गत, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो नगरीकृत हो, हम चैप्टर वाइज उनको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, ये चैप्टर नगरीकृत हैं और ये चैप्टर ग्रामीण। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, तो ग्रामीण समाज होगा तो उसकी अपनी विशेषताएं होंगी, शहरी समाज होगा तो उसकी अपनी विशेषताएं होंगी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग जब चैप्टर में घुसेंगे तो उसका हम लोग प्लस माइनस सभी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या समझ में आ गया कि पॉलिटिकल कंडीशन में हम लोग किसको पढ़ते हैं हिस्ट्री में, सोशल कंडीशन में सोसाइटी को देखते हैं, तो सोसाइटी कैसी भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है और अर्बन भी हो सकती है, क्लियर है। तीसरे नंबर पे बेटा आता है आर्थिक दशा, तो सीधी सी बात है, आर्थिक किससे मिलके बना है, अर्थ से, अर्थ का मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब कि कोई भी समय हो इतिहास का, कोई भी समय हो, उस समय को हम उसकी आर्थिक दशा के हिसाब से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा अर्थ होता है वैसा ही वो अपने समाज का निर्माण करता है। बहुत बड़ी एक उक्ति है, या कह सकते हो कि एक लाइन है, कि जैसा अर्थ वैसा समाज, तो जैसी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी सोसाइटी। चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल से भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, थोड़ा सा बस गंभीरता जरूर दिखाइएगा सुनते समय। जैसे हम लोग कहते हैं जैसा अर्थ वैसा समाज, जैसा अर्थ वैसा समाज, ठीक है, इनके बीच रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, तो दो मिनट जरा सोच के देखिए कि आप और हम सभी लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक ग्राम की, एक गांव की जो ईयरली इनकम है, सालाना आमदनी जो है गांव की, ठीक है, पूरे गांव की, उसमें मान लीजिए 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं या 4000 लोग हैं, बड़ा गांव है तो 4-5000 लोग हैं, जैसे मेरा गांव है तो वहां पर 2700-2800 लोगों का गांव है, ठीक है, छोटा गांव है बुंदेलखंड में, जालौन जिले में। तो कहने का मतलब कि गांव है, गांव में गांव की अपनी एक आमदनी है, तो हम लोग जानते हैं कि गांव की आमदनी मैक्सिमम कितनी होगी, भाई खेत होंगे उससे आमदनी होगी, और वो बेचते होंगे तो उससे कितने का बिक जाता होगा उनका अनाज एक गांव का, तो मान लीजिए टोटल गांव का अनाज बिकता है 5 लाख में, 10 लाख में, 50 लाख में। तो अब आप देखिए कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, कम है, तो वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ का समाज हमें थोड़ा सा रूढ़ीवादी दिखाई देगा, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत फ्रीनेस नहीं दिखाई देगी, इंडियन कल्चर जो है वो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देगा, यूं ही कोई सड़क पे टहलता हुआ, मतलब गांव की सड़कों पे
मेल फीमेल को एक साथ टहलना तो बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ग्रामीण समाज हो गया। आप देखिए उसी को आप अगर आप इस समय किसी शहर में हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी शहर हो, आगरा हो, जयपुर हो, रांची हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो, मेट्रोपोलिस या मेगा मेट्रोपोलिस, तो उसकी शहर की आमदनी क्या होती है? अब उसकी आमदनी तो करोड़ों में जाएगी ईयरली। तो आप देखिए कि उस शहर का समाज कैसा होता है। तो बदला क्या? लोग वही हैं, खान पान वही है, अमूमन शाकाहारी मांसाहारी जैसा भी खान पान है। मेन चीज क्या बदल रही है? मेन बदल रहा है धन, इकोनॉमी बदल रही है। तो इकोनॉमी किसको चेंज कर दे रही है? सोसाइटी में चेंज ला रही है। तो दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, तो यहाँ के समाज को आप देखिए तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल। अच्छा, इससे भी अगर मान लीजिए आप ऊपर जाना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो आप इंग्लैंड है ना, न्यूयॉर्क जैसे शहरों, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को आप कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ की आमदनी कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो सोसाइटी है वो मुंबई और दिल्ली की सोसाइटी से आपको उसमें डिफरेंस दिखाई दे जाएगा ना। तो बात को थोड़ा सा पकड़िए और समझने की कोशिश करिए कि समझाया क्या जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री को हमें समझना कैसे है। तो जैसा अर्थ वैसा समाज, ये हम अपने उदाहरण से भी देख सकते हैं। कल को हमारा भी आमदनी बढ़ जाएगी, कल को हम भी रुपए पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी, तो हम भी उस समाज में उठने बैठने लगेंगे जो हम जिससे कंपेयर हो रहे होंगे, है ना। तो ये एक मान लीजिए कि ह्यूमन मेंटेलिटी है। तो इतिहास में हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन में जानते हैं कि राजा और राजनीति, सोशल कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी है या तो अर्बन होगी या रूरल होगी। उसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं कि जो भी टाइम पीरियड है, जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, सल्तनत काल है, मुगल काल है, ब्रिटिश टाइम पीरियड है, इन सब जगह इकोनॉमी कैसी है। क्योंकि हमें अगर इकोनॉमी मालूम चल जाएगी, अगर मान लीजिए हमें इकोनॉमी मालूम चल गई, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, रूरल होगी या अर्बन होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी इसको आप मान के चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको मुगल काल का दो पन्ना दे दें जिसमें मुगल कालीन अर्थव्यवस्था लिखी हो। अगर वो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कह सकते हैं उसको कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था डिफाइन है अच्छे से, तो आप बहुत इजी वे में, अब ध्यान दीजिए, अब आप बहुत इजी वे में वहां की सोसाइटी के बारे में लिख लेंगे। देखिए बहुत बड़ी बात थी, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपको किसी भी टाइम पीरियड की इकोनॉमी पता है तो आपको सोसाइटी अपने आप पता है, आप लिख लेंगे। बहुत बड़ी चीज थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं भी पता है तब भी आप लिख ले जाएंगे, आपको जान के हैरानी होगी कि आप सही लिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इतिहास में क्या है? तो पॉलिटिकल कंडीशन है, इसमें हम राजा और उसकी नीतियों के बारे में, राजा बहुत सारे युद्ध लड़ता है, आप युद्धों के बारे में जानते हैं, राजा टैक्स को लेके बहुत सारे नियम कानून बनाता है, राजा अपने पदाधिकारियों या प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो उसकी है उसकी स्थापना करता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद बनाता है। तो वो सारा का सारा जो है वो हम पॉलिटिकल कंडीशन में देखते हैं, सोसाइटी में हम लोग रूरल अर्बन देखते हैं, और फिर हम इकोनॉमिक कंडीशन में वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि बेस किस पर है। इसको जस्ट अभी हम बस समझने वाले हैं कि वो बेस क्या होता है। खैर, तो आर्थिक दशा हमारे समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा धार्मिक दशा। धार्मिक दशा का जो मेन कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है? धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन। तो रिलीजन का यहां मतलब है कि अगर हम इतिहास में चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं कि भाई हम उसका राजनीति पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, और फिर लास्ट में हम धर्म के बारे में भी जानते हैं
कि कोई भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड धर्म के मामले में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए वैदिक काल है, तो वैदिक काल में हम लोग धर्म को इस्टेब्लिश होता हुआ देखते हैं। तो जब वैदिक काल में धर्म इस्टेब्लिश होता है तो उसको फिर हम आगे बढ़ते क्रम में देखते हैं, तो वही आगे जाके हिंदू धर्म या आर्य धर्म या वैदिक धर्म के रूप में स्थापित होता है। तो भारत में हमें कई प्रकार के धर्म देखने को मिलेंगे समय समय पे। तो एक जो हमारा सर्वप्राचीन धर्म है वो हमारा वैदिक धर्म है, इसको हम लोग चैप्टर में समझेंगे। और वैदिक धर्म के साथ साथ जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, इस प्रकार के तमाम धर्मों को पढ़ेंगे। कुछ धर्म बेटा ऐसे होंगे जो ईश्वर पर बेस्ड होंगे तो उन्हें हम ईश्वरवादी धर्म कहेंगे, जैसे हमारा वैदिक धर्म। और कुछ धर्म ऐसे होंगे जो ईश्वर को नहीं मानेंगे, उन्हें हम अनीश्वरवादी धर्म कहेंगे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कुछ धर्म ऐसे होंगे जो भौतिकता की ओर हमें ले जाने का प्रयास करेंगे, जो कह सकते हैं हम लोग के अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक ऋषि चार्वाक हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्षम प्रमाणम, अर्थात एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो जो जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, हम उसी को सही मानेंगे और बाकी सभी चीज़ों को मिथ्या मानेंगे, झूठ मानेंगे, फरेब मानेंगे। तो चार्वाक दर्शन इस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। खैर, धर्म में हम लोग सभी प्रकार की चीज़ों को छोड़ेंगे, कुछ नहीं, चिंता मत करिएगा। एक एक चीज़ हिस्ट्री में जो आप पढ़ते अभी तक आपने पढ़ा होगा, तमाम चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी और पहली बार हम और आप डिस्कस कर रहे होंगे, इस बात का विश्वास रखिए। खैर, राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा। तो एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई, वो ये थी कि इतिहास में क्या है। ठीक है, अब इसी का पोर्शन कि इतिहास में क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, उससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम कैसे चीजों को समझने वाले हैं आगे चलकर। तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, उसको हम लोग अब समझने वाले हैं कि इतिहास में कब कौन सी दशा आएगी, क्या हम इसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, तो कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा, इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए कि हम लोग इतिहास कहाँ का पढ़ रहे हैं बच्चा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। हमारे मेन फोकस में स्टार्टिंग में, चूंकि हम लोग प्राचीन भारत से के फर्स्ट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो भारत का जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत जो है वो कैसा देश रहा है। तो भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। तो हम लोग को पता है कि एक समय था जब हमारी जो जनसंख्या थी, आबादी थी, उसका 98% के आसपास, 99% के आसपास एग्रीकल्चर से लिंक था। वो लिंक जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज अगर हम लोग डिस्कस करें तो आज भारत का जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मॉब है, या जो भीड़ है, या जो भारत की जनता है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो वो आज 60% के आसपास आ चुका है। तो कहने का मतलब कि हमारी कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका प्रतिशत अब घटने लगा है, क्योंकि आज का विश्व जो है वो औद्योगिक विश्व है, और औद्योगिक विश्व में एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। तो वही मिल रही है, लेकिन ये भी सच है कि अनादिकाल से और आज तक हम लोग कृषि पर ही बेस रहे हैं। आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो चलिए इसी को, हम कृषि को ही बेस बनाकर समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में कब, क्या और कैसे घट सकता होगा या घटा होगा, हम पहले से कैसे इसको समझ सकते हैं यूं ही। तो देखिए,
सिंपल सी चीज है कि कृषि जो है ये किस चीज का, एग्रीकल्चर जो है वो, अगर एग्रीकल्चर किसी भी जगह की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, कृषि अच्छी है और कृषि के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, अगर सब कुछ है बहुत अच्छे से, बात समझिएगा कि अगर हम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से है, तो एग्रीकल्चर किस नई व्यवस्था को डेवलप कर देगा? तो वो नई व्यवस्था क्या होगी? तो वो नई व्यवस्था होगी बाजार। बहुत अच्छे से समझिएगा कि समझाया क्या जा रहा है ना। तो एग्रीकल्चर, भाई आपके भी तो खेत हैं, आप गेहूं उगाते होंगे या चावल उगाते होंगे, तो उसके लिए आप क्या मैनेज करते होंगे? मार्केट। क्योंकि जब तक आप बेचेंगे नहीं मार्केट में बेटा, तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं और आपके खर्चे चलेंगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। अगर कृषि अच्छी है किसी भी समय की, तो अगर कृषि अच्छी है तो वो अपने आप निर्माण कर देगी किसका? बाजार का, यानी कि मार्केट का। अब ध्यान दो यहां पे कि एग्रीकल्चर ने अपने आप किसको क्रिएट कर दिया? बाजार को। जब बेटा बाजार बन जाते हैं, तब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि बाजार के लिए अत्यंत आवश्यक या बाजार की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है क्या? तो उस क्या का आंसर है बेटा कि बाजार को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है व्यापार, यानी कि ट्रेड। बात समझिए, इसको लिंक करते चलिए। एग्रीकल्चर और इसके बाई प्रोडक्ट हम कहां बेचेंगे? बाजार में। बाजार अच्छा कब होगा? बाजार अच्छा तब होगा जब यहां पर उस जगह पर व्यापार होता हो, क्योंकि बाजार हमें तभी अच्छे लगते हैं जब उसमें दुनिया भर की चीजें मिल रही हों। अगर रोज रोज बाजारों में एक ही सामान बिकेगा, लोकल सामान बिकेगा, तो आप भी बाजार जाने का आपका मन नहीं होगा। आज आप किसी भी मॉल में चले जाते हैं, किसी भी मार्केट में चले जाते हैं, तो वहां पर आपको इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, सभी देशों के वस्तुएं और सामग्रियां मिल जाती हैं। इसीलिए बाजारों में आकर्षण बन जाता है। तो बाजारों के आकर्षण के लिए व्यापार का उन्नत होना बहुत जरूरी है, और वो उन्नत हो जाएगा कैसे? अगर बेस में, सबसे नीचे बेस में अगर एग्रीकल्चर अपनी अच्छी पोजीशन में है। बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल चीज है। तसल्ली से, बहुत ही तसल्ली से इसको समझिए कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है तो उसने मार्केट को बना दिया, मार्केट ट्रेड को डेवलप करने में हेल्प करेगा, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और व्यापार कब अच्छा होगा? तो बेटा ट्रेड यानी कि व्यापार की दो टांगे होती हैं, अगर वो दोनों टांगे मजबूत हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। तो आइए समझते हैं कि उसकी दो टांगे क्या होती हैं। तो व्यापार की दो टांगे होती हैं, एक होता है तकनीकी विकास, तकनीकी विकास, और दूसरा होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन बेटा ये व्यापार यानी कि ट्रेड के दो माइलस्टोन होते हैं, दो पिलर्स होते हैं जिन पर व्यापार ऊंचाइयां छूता है। अगर तकनीकी रूप से उन्नत है व्यापार, यानी कि उसके पास संसाधन हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बेहतर, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो तकनीकी रूप से मजबूत है। और परिवहन, अगर उसके पास रूट, मतलब सड़कें अच्छी हैं, नदी मार्ग, जल मार्ग बहुत अच्छे हैं, रूट अगर बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो भी वो व्यापार को मजबूती देगा। इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा कि हम जहां पर भी इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, तो वहां पर इंटर स्टेट और इंटरनेशनल हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ट्रेड देखने को मिलेगा, तो आप खुद समझिए कि जहां पर ये सब
प्लस अवस्था में होगा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। इट मींस कि हम कैसे समाज के वहां पर दर्शन करेंगे, तो हम एक नगरीय समाज के दर्शन करेंगे, तो हमें नगरीय समाज वहां पर देखने को मिलेगा। और इन केस मान लीजिए कि एग्रीकल्चर नहीं है अच्छा, अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और उसके बाई प्रोडक्ट होंगे ही नहीं। तो अगर ये बिल्कुल खराब अवस्था में है, बिल्कुल है ही नहीं मान लीजिए, तो इसका मतलब कि ना तो ये होगा, ना व्यापार होगा, ना तकनीकी और परिवहन की आवश्यकता होगी, और जब कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर सोसाइटी होगी, और वो प्राइमरी लेवल पर सोसाइटी इट मींस कि अगर वहाँ पर माइनस है ये सारी चीज़ें, तो हम कैसे समाज के दर्शन करेंगे, तो हम ग्रामीण समाज के दर्शन करेंगे। अब इस ट्रिक से मैं आपको बता दूं कि आपने क्या जान लिया है, तो आपने ये जान लिया है कि हम आपको किसी भी टाइम पीरियड के पन्ने दे दें, किस बात के, अर्थव्यवस्था के, तो आप बड़ी ही आसानी से वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के समाज को डिफाइन कर ले जाएंगे। और अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं केवल अर्थव्यवस्था के पन्ने आपको दे दूं, तो आप भविष्य में राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा और धार्मिक दशा तीनों को लिख ले जाएंगे बिना, अगर मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी। यह था एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था, तो इसको अगर आप जितना गंभीर इस चार्ट को, तो आप डेली देखा करिए स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास किया करिए कि क्या बताया गया है और इसमें आपको और क्या क्या अपने से विचार करना है। जितना विचार बेटा करते जाएंगे उतना ही आपको ये लाभकारी दिखाई देगा। तो कहने का आशय कि इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है, तो में क्या है उसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं, और जो अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण एक फेज रहता है, तो आज हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कितना समझ में आया है बेहद ईमानदारी से कमेंट करिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई प्रश्न या कोई कह सकते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट समझने में और समस्या मान लो बनी रही है, तो उसको भी बिल्कुल बताइए। तो शांतिपूर्वक सहयोग के लिए, ध्यानपूर्वक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पाठशाला में डॉक्टर अनुराग आपसे अब विदा लेता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।